नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के बालेखांड गांव निवासी तिवारी सिंह तथा बिहारी भुइया का खपरेल मकान लगातार हो रही बारिश में ध्वस्त हो गया, जिससे वे लोग बेघर हो गए। अब उक्त दोनों के साथ साथ उनके पूरे परिवार को रहने के लिए एक भी खपरेल छत वाला कमरा नहीं रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भुक्तभोगी काफी गरीब और असहाय व्यक्ति हैं। वह किसी तरह मजदूरी कर अपना परिवार का गुजर बसर खपरेल मकान के नीचे रहकर कर रहे थे, अब बेघर हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के घोर उदासीनता के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जैसे गरीबों का नसीब नहीं है। जिन लोगों का पक्का घर है, दो पहिया गाड़ी है, एक एकड़ से ज्यादा जमीन है तथा डीजल पंप व मोटर है, उन लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास का वितरण किया गया है। ध्वस्त खपरेल मकान के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को आकर जांच कर तत्काल लाभ दिलवाया जाएगा। हमने जिना परहिया पंचौर पंचायत बीडीसी ग्राम बालेन खाड़ में तिवारी सिंह का मकान बरसात के मौसम के बरसात होने के कारण घर गिर गया। एक भी रहने का कोई उपाय नहीं है। प्लास्टिक टान के कैसू रह रहा है। सरपंच को इन लोग सदस्य होते हैं, एक भी रहने के हम लोग इनके घर का ही हैं, बगल के भी हम हैं। इनको हम देख रहे हैं, ये लाचार बहुत हैं, गरीब हैं। इनके सरकार के माध्यम से कुछ इनके रहने के तुरंत तत्काल व्यवस्था किया जाए और इनके विशेष ध्यान में रखते हुए इनको पर भी कुछ आगे के भी कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम तिवारी सिंह नाम है, गांव बालेखाड़ जैत पचौर। मेरा घर गिर गया, रहने के लिए एक को नहीं है, अच्छे में सदस्य होते हैं, पार्टी को झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, गरीब परिवार से लाचार हैं। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, सरकारी योजना हमारे लिए मिलना चाहिए। डंडई प्रखंड के डंडई बालेखाट पचोर लवाही समेत प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों में शारदीय नवरात्र प्रारंभ। नवरात्र के प्रथम दिन डंडई देवी धाम सहित प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों में पूरी विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की आराधना की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपासक महिला पुरुष पूजा पंडाल में पहुंचे तथा सामूहिक रूप से कलश स्थापना तथा नवरात्र पाठ में शामिल हुए। नवरात्र शुरू होते पूर्व प्रखंड में चारों तरफ मां दुर्गा के बज रहे भक्ति भजन से सभी और भक्तिमय वातावरण बन गया है। हालांकि हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसके बावजूद पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं डंडई देवी धाम समेत प्रखंड के भिन्न भिन्न पूजा पंडालों में प्रथम दिन से लगातार 10 दिन तक नाटक मंचन कार्यक्रम का आयोजन भी पूजा समितियों के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।